कई बार ये सवाल आते रहते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मुझे झूठ बोलकर शादी की है, काफ़ी चीज़ें छुपाई गई थी, क्या मैं शादी को सेक्शन 12 में जाके अवॉइड करा सकता हूँ, शून्य करा सकता हूँ? कौन से वो ग्राउंड होते हैं जिसमें पति और पत्नी जिसे जो फैक्ट होते हैं शादी को उनको छुपा कर शादी की जाती है? तो सबसे पहले कितना उसमें टाइमिंग के अंदर अंदर आपको शादी को अवॉइड करवाना पड़ेगा, उसमें क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, क्या पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं जिसमें आप अवॉइड करा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा सर आपके लिए, तो चलिए नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि ऐसे जो फैक्ट होते हैं शादी की जो चीज़ें छुपाई गई हैं वह कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसपे आप लोग उसे अवॉइड करा सकते हो, फिर बात करेंगे अपन कितने टाइम में करा सकते हो, फिर अपन बात करेंगे क्या उसमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तीनों टॉपिक पे आज इम्पोर्टेंट बात करेंगे। पहला टॉपिक ले लेते हैं ग्राउंड क्या क्या होता है। पति पत्नी जैसे पति से शादी की कि पति बताया कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ जबकि वो कोई भी जॉब वॉब नहीं करता है, या कोई अच्छा हो कंपनी में मैनेजर HR कुछ भी अच्छी पोस्ट बताया जबकि उस पर है नहीं, तो पत्नी उसे अवॉइड करा सकती है, ठीक है। दूसरा आता है जैसे पत्नी पहले से प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद में इस चीज़ को पति प्रूव कर देता है तो उस चीज़ से भी अवॉइड करा सकते हैं। कई बार ये सवाल मेरे पास आते हैं कि साहब मेरी घरवाली के तो बॉयफ्रेंड थे पहले, अब हमको पता पड़ा तो क्या शादी को हम अवॉइड करा सकते हैं? जी नहीं, वो पास्ट हो गया, ड्यूरेशन कंटिन्यू नहीं है, वो आपका उसके अवॉइड नहीं होगी, फिर एडल्ट ग्राउंड बनेगा, उस पर डिवोर्स मिलेगा आपको, तो उस चीज़ से आप माइंड में निकाल दीजिए जो आपके सवाल आते हैं फालतू वाले, ठीक है। कभी कभी आप एक नॉर्मल ग्राउंड भी बना देते हैं कि साहब हमारे तो वाइफ तो पहले BA बताई थी लेकिन वो 12th पास है, तो ये इन चीज़ों को कोर्ट नहीं लेता कभी भी, ठीक है। आपके पास फैक्ट होना चाहिए जैसे वह पहले से प्रेग्नेंट हो गई हो आपकी वाइफ, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपको बताया नहीं, मेंटली उसको बीमारी हो, कोई क्रिमिनल केस हस्बैंड पे लगा हुआ हो जैसे रेप का केस हो, वह चीज़ें हो, वो पत्नी को पता नहीं चाहे वो पति को पता नहीं, ये चीज़ें जो चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं इन चीज़ों के बारे में नहीं होता तो आप अवॉइड करा सकते हो। जैसे आप इंदौर एक ही गोत्र में आपके जो 4-3 गोत्र डाले जाते हैं उन गोत्र में से कोई भी हो, भाई बहन की तरह आप लगते हो किसी तरह से, तो उस चीज़ पर भी आप उसे अवॉइड करा सकते हो। तो कुछ ग्राउंड होते हैं दोस्तों, एजुकेशन को लेके भी आप करा सकते हो, आपकी जॉब के बारे में करा सकते हो कि जॉब परफॉर्मेंस को आप छुपाया गया है उस चीज़ को, कहीं डिवोर्स वाली लड़कियां होती जो डिवोर्स केस को पहले छुपाई जाती है उस चीज़ पे भी आप डिवोर्स उसे अवॉइड करा सकते हो कि भाई पहले तलाकशुदा लड़की थी उसने बताया नहीं, तो उस बेस पे भी आप उसे खारिज करा सकते हो, शादी को ख़त्म करा सकते हो, शून्य करा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या मेंटेनेंस देना पड़ता है। देखिए अवॉइड वाली जो अवॉइडेबल मैरिज होती है उसमें किसी तरह से एक मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, जो आपके लीगल वाइफ होती है उसको ही मेंटेनेंस मिलता है, और को किसी को नहीं मिलता है मेंटेनेंस, ठीक है। अगला पॉइंट जो करते हैं कितना टाइमिंग लेना चाहिए। आपको क्लियरली लिखा गया है सेक्शन 12 में भाई आपको 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेसिंग कदम उठाना चाहिए, वैसे 3 साल के अंदर आप उठा सकते हो लेकिन आपके एक प्रॉपरली रीज़न होना चाहिए कि किस कारण से, हो सकता है कहीं को 2 साल बाद पता पड़े लेकिन मैक्सिमम 3 साल के अंदर, लेकिन जो 90% कोर्ट एक्सेप्ट करता है वो 1 साल के अंदर अंदर ही आप इस चीज़ से अवॉइड करा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि हाँ 1 साल में इस चीज़ का मालूम पड़ चुका है, ठीक है। 3 साल के लिए आप जाओगे तो उसमें आपको प्रॉपरली रीज़न समझाना पड़ेगा। अब इसमें बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का बार किस पे होता है, चाहे हस्बैंड ने अप्लाई किया तो हस्बैंड पे रहेगा, वाइफ ने अप्लाई किया तो वाइफ पे रहेगा, ठीक है। शादी इसमें तलाक नहीं होता, अवॉइड मतलब शादी बिल्कुल ही खारिज हो जाती है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और लोग के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 जन्म का, जिसको या तो पूरा हो सकता है, कहीं लोगों की 1 महीने 2 महीने भी ख़त्म हो जाता है, कोई 7 जन्मों तक नहीं चल सकता ये चीज़ें, कोई किसी ने फालतू की चीज़ें होती है, आजकल देश पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, तो ये चीज़ें होती है, इस तरह से आप अवॉइड करा सकते हो। जैसे पहले बाल बच्चा हो रखा उसको छुपा के दूसरी शादी की, प्रेग्नेंट थी वाइफ उसको छुपा के शादी की, तलाकशुदा थी तो उस पर ऐसे मेंटल डिस्टर्ब, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता था, ऐसी चीज़ें छुपाई गई आपसे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे टॉपिक के, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि पत्नी भी कर सकती कि उसका पति ने उसे छुपाया कि वो जॉब अच्छी करता है गवर्नमेंट में जबकि वो है नहीं इस तरह से, वो इतना वेल एजुकेशन BTEC MBA बताया लेकिन वो है नहीं इस तरह से, उसका कहीं पहले से तलाकशुदा या कोई क्रिमिनल केस उस पर लगा हुआ है, रेप जैसा केस लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन में पत्नी उसे शादी को अवॉइड करा सकती है।
उसमें आपको शादी का खर्चा मिलेगा, जिसने अवॉइड करेगा उसको शादी का खर्चा मिलेगा, चाहे वो पति करा रहा तो पति को मिलेगा, चाहे पत्नी करा रही तो पत्नी को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप मिलती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस किसी को भी नहीं मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अवॉइड शादियाँ कौन कौन सी करा सकते हो, किस कौन से ग्राउंड पर करा सकते हो। बस आपको प्रूफ खुद को करना पड़ता है, जो कोर्ट में जाता है उसके बटन ऑफ प्रूफ का बार होता है उसके ऊपर होता है, तो उसको ही बस चीज़ें सब प्रूफ करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।